Another one. भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र एकदम फर्स्ट क्लास और बिल्कुल एकदम शकाशक बोले तो हम नौमान। और अभी मैं बहुत टाइम के बाद वैसे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, पूरे रमजान में मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला, अगर ये डालूंगा तो फर्स्ट व्लॉग होगा मेरे रमजान का। बोलना चाहोगे? तो बोलना ये चाहिए कि काफ़ी दिनों बाद इन्होंने व्लॉगिंग शूट की है और देर सही सवेर सही पर किया तो सही। ताकि आप लोग इसको जल्द से जल्द इसके यार व्यूज बढ़ाओ, इसको सब्सक्राइब करो यार। हाँ। गरीब बच्चा है ये, अपना बच्चा है, मेरी औलाद है ये। हाँ। और अभी वैसे भी टाइम हो रहा है, शेरी का ही टाइम हो रहा है और अभी रात के दो ढाई के करीब टाइम हो रहा है और ये अभी निकलना है अपने घर के लिए, यहाँ से निकलना हो, गाड़ी स्टार्ट करना है और उसके बाद निकलना है और बहुत से लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट लोग को, हाँ सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को टाइम देना। मसले मसाइल बहुत हो रहे हैं भाई, शादी भी तो होने वाली है। शादी? हाँ। ये पश्तो में हमारा सॉन्ग था तो चलो। तो बाप खान साहब लोग भी, हमारे जितने भी खान साहब हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और ये हम गाड़ी में किक में। तो बस अभी यहीं से अपने ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं अपनी छत पे, यहाँ पर अभी हम लोग क्या नाम है थोड़ी पतंग वतंग उड़ाने के लिए आए हुए हैं और मैं सेरी करने के बाद मैं सो गया था, अब सो के मैं अभी उठाऊँ। तो अभी इस ब्लॉग को ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सेरी सारी क्योंकि ये ब्लॉग की टाइमिंग मुझे पता नहीं है कब डालें किस टाइम पर डालें। तो अभी बस यहाँ से अब हम इस ब्लॉग को कर लेंगे स्टार्ट और अभी पतंग वतंग लेके आए हैं छत से, पतंग उड़ाएंगे और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो चलें इस ब्लॉग में आप बने रहें। पतंग ये जी, और अभी अभी बस मैं इसको उड़ाता हूँ, उड़ाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग ने पतंग उड़ा ली, अभी हम आपको दिखाएंगे, पता और बहुत इतनी तेज हवा के साथ चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि पतंग टूट के बस चली ही जाएगी, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिखने में छोटी दिख रही होगी लेकिन है ये बहुत बड़ी, और बड़ी का मतलब आप कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, पतंग की बात कर रहा हूँ मैं। और देख सकते हैं किस तरीके से हम पतंग उड़ा रहे हैं और ये पतंग जा भी सकती है, ये पतंग शायद हमें पतंग एक दो दे के जाएगी, काट देंगे या हमारी कर जाएगी और फिर जैसे भी हमारी पतंग उड़ेगी अभी, तो वो भी हम आपको दिखा दें। वो दिखा गए, वो लोग भी आ गए थे। सो गाइस अभी हमारी पतंग फंस चुकी है टावर के अंदर, ये टावर पे जो बता रहा था ब्लॉग के साथ साथ, तो ये टावर के अंदर फंस गई है। देखें आप उड़ रही है बस टावर से, ये मानने जा रहा है इसका, और ये देखें निकल के नहीं दे रही है, बस अभी इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि फंस चुकी है टावर के अंदर। तो अभी इसको निकाल के आपसे मिलते हैं। देखिए आ नहीं रही, इधर हवा इस तरफ की चल रही थी ना, आज वैसे इस तरफ चलती है तो आज इस तरफ चल रही थी, तो पहले इसको निकालते हैं हम। 2000 years later। ठीक है आप लोग को पता है हम पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते उड़ाते हमारी पतंग फंस गई, पतंग फंसने के बाद हमारे पास पतंग भी खत्म हो चुकी है, तो हम कहाँ से लाएं? तो कुछ काम वाम करना पड़ेगा, मजदूरी जाके करनी पड़ेगी, फिर हमें पैसे मिलेंगे। और क्या नाम है, इस टावर के अंदर फंस गई और अभी जाएंगे मजदूरी करने के लिए, क्या नाम है, ईंटे वीटे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद कुछ पैसे मिलेंगे, उससे पतंग लेके आते हैं। तो चलें ईंटे तोड़ के आते हैं। इफ्तारी कर ली है, रोज़ा बहुत लग रहा था, आज छत से आती किट सारी डायरेक्ट इफ्तारी करी और मैं और पतंगें लेके आया था वो भी उड़ाया, आज फिर पतंगें उड़ाई और हाथ बात कर दिया, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जाऊँगा बाहर तो वहाँ पर भी आपको साथ लेके चलूँगा और पीछे से थोड़ा शोर आ रहा होगा, इग्नोर। अभी हम लोग आए हैं बाहर और हमारे साथ मौजूद है तैमूर, जो हर बार की तरह इस बार भी मौजूद है क्योंकि इसकी मौजूदा हालात के साथ मौजूदा हर किस्मी ख़त्म हो चुकी है। और ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या बोलना चाहिए, चाहिए बाहर वाले से मांग के भी इसके बहुत हालात खराब चल रहे हैं। इसका मतलब है नीचे मजा है ऊपर भी मजा है, इसको कोई आके कुछ पैसे वैसे देके जाओ।
और क्या हुआ आपके हालात में, क्या हो गया बताओ लोग। हालात ख़राब कर दिए, ये बनारस नहीं जा रहा आजकल। तो भाई ये आजकल शुरू कर लिया क्यों? क्योंकि यार पैसे की बहुत किल्लत हो रही, कमी हो रही थी, तो बड़े मसले बड़े चल रहे थे ना। तो इसने बोला यार बनारस में क्यों ना मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, ईद भी आ रही है, रमज़ान चल रहा है। लेकिन मैंने बोला कि रमज़ानों में भाई ऐसे काम मत करो, तो इन्होंने बोला नहीं मुझे रमज़ान भी ही करना है दादा। तो क्या कर सकते, सीजन का टाइम होता है, चांद रात वाले दिन तो इनका धंधा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है ना। लेकिन ये हाँ, लेकिन ये नहीं बताना कौन सा काम है, लोग समझ जाएंगे, फिर हर कोई करने लग जाएगा, सब पैसे कमाने लग जाएंगे, फिर हम ही क्या करेंगे। तो अब इससे पहले बहुत चीज़ें खाई हैं, लेकिन ये बोल रहे यार वीडियो पे नहीं दिखा, वरना बनारस वाले पैसे देने कम कर देंगे। तो अभी हम लोग घर चल के आपसे मिलते हैं, और ये बनारस वाला नाम याद रख लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो से बनाई थी, कोशिश कर रहा था कि अब ब्लॉग में कर सकूं, तो बहुत दिनों से नहीं कर रहा था। तो बाकी अभी ये ब्लॉग को मुझे एंड करके नया शुरू करना है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो ऐसी शॉर्ट की थोड़ी सी बनी होगी, दिखी होगी आप लोगों को, तो बस सब्सक्राइब कर लो, और अब मेरे को यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करना, तो अब अच्छे ब्लॉग आएंगे। बाय।